ये देखो यहीं पर है हम लोग। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम सुमित कुमार है और अभी मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आपको प्रैंकिंग में एडमिशन लेने से पहले पता होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना गाइस। आप लोगों के सपोर्ट को मेरे को बहुत जरूरत है अभी। तो चलिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ जो कि आपको बेनिफिट होगा प्रैंकिंग में एडमिशन लेने से, और मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं आप लोगों के पास शेयर करना चाहूँगा। तो मेरे पास कुछ, मैं कुछ दिन पहले ही प्रैंकिंग विजिट कर चुका हूँ और मैं वहाँ के स्टूडेंट्स लोगों से मैं बात कर चुका हूँ। उन लोगों का मैंने कुछ इंटरव्यू भी लिया है, वो भी मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को ऐड करके क्लिप कुछ दिखा दूंगा। और मैंने वहाँ के प्रोफेसर लोगों से भी बातें की, उनका भी मैंने कुछ वीडियो बनाया है, तो वो भी मैं आने वाले वीडियो में आपको ऐड करके दिखा दूंगा। तो ये बात हो गई कुछ प्रैंकफोन की इंटरव्यू की। तो चलो आप लोगों को मैं बताता हूँ, अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो आपको क्या क्या होना चाहिए आपके पास। तो आपको मिनिमम आपको 12th कंप्लीट करना पड़ेगा और इसके लिए आपको कोई भी जरूरत नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट से 12th आपको कंप्लीट होना चाहिए, 12th पास होनी चाहिए आप, और आपका एज मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए। और आप ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं, और मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप प्लीज अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग के लिए जाए। और इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ मैं बताने जा रहा हूँ कि A to Z आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। और अगर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें बता दूँ तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा, मतलब वहाँ जाकर आपको फिर निराश होकर लौट कर वापस नहीं आना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको एक हाइट भी, आप लोगों को बहुत मतलब डाउट रहता होगा कि मेरा BMI कितना है, BMI वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ BMI आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो BMI कैलकुलेट करने के लिए सिंपल आपको हाइट मेजर करना है, हाइट को मेजर करके आपको उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो BMI का सिंपल फॉर्मूला है, BMI इक्वल टू वेट बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर इनटू एज। अगर आपका BMI 18 से 25 के बीच में है तो आप इस फील्ड में आप रिकमेंडेबल है। तो चलिए अब आप लोगों को फ्रैंकफिन के बारे में बताते हैं कि वो क्या है। तो वो एक इंस्टीट्यूट है, वो एक कंपनी नहीं है, जो कि आपको ट्रेनिंग देगा वेरियस फील्ड में आपको जॉब फाइंड करने में, वेरियस कैटेगरी के जॉब को इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में। तो इंटरव्यू तो आपको ही देना पड़ेगा, कोई आपके साथ वहाँ पर जाएगा नहीं। और वो फ्रैंकफोन आपको इंश्योरिटी देते हैं, श्योरिटी, ना कि आपको कोई गारंटी वगैरह नहीं देते हैं कि अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर जाएंगे तो आपका गारंटी सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आपको वो बेसिकली इंटरव्यू के लिए रेडी करते हैं, वहाँ पर जो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग किया जाता है। और ये लगभग 11 मंथ का होता है, और 11 मंथ तो सिर्फ कहने की बात है, अप्रोक्सीमेटली 12 मंथ लग ही जाते हैं इंटरव्यू को कंप्लीट करते करते। तो उसमें कुछ कोर्सेज का नाम है जो मैं आप लोगों को अभी डिस्कस कर देता हूँ, बस एक मिनट दो मेरे को। तो उसमें आप लोगों को, रुक जाओ एक मिनट मैं आता हूँ, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। अभी मेरे को थोड़ा, मेरे को कुछ लेकर आना है, ठीक है, आप लोग बने रहो बस। क्या क्या डेढ़ घंटा तक क्या क्या बोला तुमको? डेढ़ घंटा तक हमें बताया गया, हाँ, यहाँ पर जॉब फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। हाँ, माइक दे गया? नहीं, बात सब सही है। अच्छा, पैसा बड़ी ज्यादा ले रहा है। पैसा ज्यादा ले रहा है, इधर आओ, आवाज ज्यादा। और तुमको क्या बताया भाई, इनसे बात कीजिए, कुछ बताओ ना भाई, बताओ ना कुछ अच्छा अच्छा से बताओ। हाँ, सब चीज सही लगा। तो आपको इसके बारे में कहाँ से पता चला था? फोन आया था। फोन आया था, तो आपको फोन पे क्या क्या बताया गया? तो आप कैसा लगा आपको यहाँ पर, मतलब अंदर एटमॉस्फेयर कैसा था? ठीक था, ठीक था ना। सो गाइस, यहाँ पर इस टाइप का फॉर्म भरना है आने के बाद फ्रैंकफिन में, देखो आप लोग
ब्लॉगर है कब है को खुद देने एक्सपोज करने वाला तो गाइस देखो मेरा दोस्त वहां पर ये कैमरा नहीं ना भाई अरे भाई कैमरा लगा हुआ वही तो कहीं कैमरा नहीं होगा ऐसा हो सकता हम तो अकेले हैं भाई यहाँ पर हमको दो तीन मित्र लोग मिल गए काफी अच्छे हैं ये लोग और ये देखो ये कुछ इस टाइप का वीडियोस चल रहा है फ्रैंक का और भाई ये पूरा एयरपोर्ट का लुक बनाया गया एसी लगाया गया है मस्त इस साइड में विंडो में ग्लास पैक कर दिया गया पूरी साइड में विंडो बनाया गया मस्त क्या लुक है भाई गर्दा You also get a choice for the audio.